फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जो रिमोट के ख़राब बैटरीज होती हैं यानी कि सेल होते हैं उनका यूज करके आप एक रिचार्जेबल बैटरी बना सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सेल का यूज करके एक 12 वोल्ट की बैटरी बना के दिखाऊंगा। वैसे तो फ्रेंड्स, आप इनसे कितनी वोल्ट की बैटरी बना सकते हैं, अब बस आपको सेल उतने ही लेने पड़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 12 वोल्ट की बैटरी बना के दिखाऊंगा, तो इसे किस तरीके से बनाना वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई वीडियो आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो चलिए इन्हें किस तरीके से बनाते हैं वो आपको बता देता हूँ। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको सेल को चेक करके दिखा देता हूँ, ये पूरी तरीके से डेड है स्टैम्प। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से ये बैटरी बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इस तरीके से सेल यूज कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो यहाँ पे इनका ये प्लस साइड होता है तो इनका माइनस साइड होता है। तो यहाँ पे एक बैटरी यहाँ पे डेढ़ वोल्ट की होती है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक बैटरी 3 वोल्ट की भी है। तो मैं यहाँ पे 7 सेल का यूज करके एक 12 वोल्ट की बैटरी बनाऊंगा। वैसे तो फ्रेंड्स, आप इनसे कितनी वोल्ट की बैटरी बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सारे सेल को सीरीज में कनेक्ट कर लेता हूँ, तो हमें इस पर सोल्डिंग करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर नीचे की साइड को इसे अच्छे तरीके से घिस लेता हूँ ताकि इस पर सोल्डिंग की जा सके। तो आप सेंट पेपर पर इस तरीके से घिस सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसकी सोल्डिंग कर लेता हूँ इस बार की मदद से। तो फ्रेंड्स, पहले आपको इसका जो कवर होता है वो आपको निकाल लेना है, क्योंकि इसमें हम एक लिक्विड डालेंगे तो वो उसमें वर्क नहीं करेगा। तो आपको इसका जो कवर होता है वो आपको हटा लेना है। यहाँ पे आप स्क्रू ड्राइवर से भी इजीली इसे हटा सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके ऊपर एक प्लास्टिक चढ़ी होती है, वो भी आपको कटर की मदद से इस तरीके से निकाल देनी है। देख पा रहा हूँ यहाँ पर सेम उसी तरीके से आपको पूरा प्रोसेस करना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, बस आप वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना। तो यहाँ पे इसकी जो प्लेट होती है वो भी आपको निकाल देनी है, देख पा रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको उस पर सोल्डिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे 5 सेल की सोल्डिंग कर ली है। तो यहाँ पे 8 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे बनके कंप्लीट होगी। फ्रेंड्स, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरीके की बोतल यूज़ कर रहा हूँ और इसमें यहाँ पर इतने ही सेल आ पा रहे हैं। तो आप इससे 12 वोल्ट की बैटरी बना सकते हैं, बस आपको इसमें वोल्टेज के हिसाब से आपको सेल यहाँ पर सोल्ड करने पड़ेंगे। तो आप इससे थोड़ी बड़ी बोतल भी ले सकते हैं, उसमें ये 12 वोल्ट की बैटरी पूरी तरीके से बनके कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको एक एक करके सारे सेल यहाँ पे अंदर की तरफ आपको इसमें रख देने हैं। देख पा रहा हूँ यहाँ पे जिस तरीके से मैंने किया है, तो आपको थोड़े बाहर लंबे लेने हैं तभी अच्छे तरीके से यहाँ पर अंदर की तरफ फिट हो पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक ब्लैक और एक रेड वायर निकाल देना है, ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी को शो करेंगे। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो कैप होता है उसका, उस पर आपको 2 यहाँ पर स्क्रू इस तरीके से सेट कर देने हैं ताकि इस पर ये वायर अच्छे तरीके से सेट किए जा सकें। तो चलिए मैं यहाँ पे इन दोनों वायर को सेट कर लेता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव को। तो आप इस पर मार्किंग भी कर सकते हैं ताकि आपको इस पर पता चल सके। वैसे तो फ्रेंड्स, आप मल्टीमीटर से भी इसका पता लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा यूज़ कर रहा हूँ, जो खाने वाला सोडा होता है। और इसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच यहाँ पर नमक यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके से। देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो खाने वाला नमक होता है वो यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, जो इन्वर्टर होते हैं उनके अंदर का जो पानी होता है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप इसकी जगह पर डिजिटल बॉटरी भी यूज़ कर सकते हैं, जो फिल्टर वाला पानी आता है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसका फ्रेंड्स, आपको इसे पूरे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देख पा रहा हूँ यहाँ पे जिस तरीके से मैंने किया है। और इसके बाद में मैं यहाँ पे इसमें नॉर्मल पानी भी डाल देता हूँ ताकि ये बोतल यहाँ पर ऊपर तक भर सके और सारे सेल इसमें डूब जाएँ। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको इसमें नॉर्मल पानी डाल के इस बोतल में यहाँ पर भरना है। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं इसमें पीने वाला पानी यूज़ कर रहा हूँ। तो देख पा रहा हूँ इस तरीके से आपको इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और आपको इस बोतल के अंदर आपको इसे डाल देना है। फ्रेंड्स, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली चेक करके दिखाऊंगा, मल्टीमीटर्स की वोल्टेज भी चेक करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, आप इसे चार्ज भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसे इस टाइम चार्ज नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपको इसे चेक करके दिखाऊँगा ताकि आपको यकीन आ सके कि ये बैटरी यहाँ पर वर्क कर रही है कि नहीं। तो आप वीडियो को थोड़ा सा भी इसकी मत कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली इसे चेक करके दिखाऊँगा ताकि आपको यकीन आ सके कि ये बैटरी वर्क करती है कि नहीं। तो चलिए फाइनली मैं आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बैटरी वर्क करती है। बस आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसका जो नमक है वो पानी में पूरी तरीके से मिल सके। तो चलिए पहले मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स, मैंने इस टाइम इसे चार्ज नहीं किया है, तो देख पाऊँगा यहाँ पर 3.96 के करीब इसमें वोल्टेज शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम ये चार्ज नहीं है, आप इसे चार्ज करेंगे तो इसमें पूरा वोल्टेज शो करेगा। देख पाऊँगा यहाँ पर मैं आपको LED चेक करके दिखाता हूँ। तो इस टाइम इसका ये पॉजिटिव वाला साइड है, देख पा रहा हूँ यहाँ पे LED भी हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्लो कर रही है। तो फ्रेंड्स, आप इस बैटरी को बनाते हुए पूरी सावधानी बरतिएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप एक रिचार्जेबल बैटरी बना सकते हैं ख़राब बैटरी से। देख पा रहा हूँ यहाँ पे इसमें कोई फेक नहीं है, आपके सामने सब कुछ मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, कहीं से कोई वायर नहीं है। और देख पा रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप ख़राब सेल का यूज करके एक रिचार्जेबल बैटरी बना सकते हैं। आप इससे अलग अलग वोल्ट में बैटरी बना सकते हैं, बस आपको उतने ही इसमें सेल यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पर एक सेल 1.5 वोल्ट का होता है, तो आपको उतने ही सेल यूज करने पड़ेंगे जितने वोल्ट की आपको बैटरी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।